जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन में डिफरेंस का इशू है, इसके बहुत सारे डायमेंशन्स हैं। एक तो इसका डायमेंशन है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं हो रहा ऑन द ट्रांजेक्शन, जो गेन हो रही है वो तो एक अपना एस्पेक्ट है, इंक्लूडिंग द प्रोविंशियल्स जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट होना चाहिए। दूसरा इसका डायमेंशन है कि जो पार्किंग हो रही है वो एक तो अनटैक्स मनी की हो रही है, जो ग्रे मनी है फ्रॉम दी राइट सोर्सेस। अब ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि जो अनराइट सोर्सेज हैं, जो एक्चुअली टेटेड मनी हैं, या वो मनी हैं जो हम नहीं चाहते, जो लॉन्डर हो रहा है, या जो एक्चुअली बिल्कुल ही क्रिमिनल सोर्सेज से पैसा कलेक्ट हो रहा है, वो भी लॉन्डर हो रहा है, हो सकता है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी जो उस तरह का पैसा है जो कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लॉन्डर हो, वो इस तरह लॉन्डर हो रहा है, या वो लोग ऐसे इस पैसे से एसेट एक्वायर कर रहे हैं। तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये कि जो दुनिया में हाउसिंग है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट और एक होता है प्लॉट की इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सारा जो एक्यूमुलेशन या इंक्रीज इन द वैल्यू हुआ है प्रॉपर्टी में नहीं हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो स्क्वायर फुटेज है, उसका रिलेशनशिप एक रियलिटी के साथ होता है, और एक उसका एक नेचुरल रिकोर्स विद दी एम्प्लॉयमेंट भी है। मगर अगर स्पेकुलेशन प्लॉट में हो जाए और प्लॉटों की वैल्यू अननेचुरली बढ़ती जाए, और हमारे पास वो रिजीम भी नहीं है जो हमें होनी चाहिए कि प्लॉटों की जो यूटिलाइजेशन है उस पर हमने काम नहीं किया, मीन्स कि अगर प्लॉट आप खाली छोड़ देते हैं और घर नहीं बनाते, तो इन द वर्ल्ड उसको आप अलाउ नहीं करते कि प्लॉट, अदरवाइज यू फोर्स देम टू मेक अ हाउस। पर हमने प्लॉटों को एक कमोडिटी बना के लाइक अ गोल्ड बार छोड़ दिया लोगों के पास, और लोग उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इसकी इस पूरे सब्जेक्ट की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस पूरे सब्जेक्ट को बाय ब्रिंगिंग दिस इशू एक रडार पे ले आई है। अब एक पब्लिक के रडार पर है, हो सकता है कि इसमें कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई फैसला हो जाए लोगों के साथ गवर्नमेंट का, हो सकता है कि ये जिस जिस इंटेंसिटी के साथ इशू रेस हुआ है हो सकता है वो डायल्यूट हो जाए, मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो एक सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट इस वक्त हाउसिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ओपन प्लॉट्स, सप्लाई डिमांड ऑफ प्लॉट, ये सब टेंटेड मनी इन दी रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें अब एक हाईलाइट हो गई जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इस पूरी डिबेट का पॉजिटिव पहलू है। अगला जो सवाल पैदा होगा वो ये होगा, और वो बड़ा जेन्युइन सवाल है और मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, कि जब आप एक बहुत अरसे तक एक गलत सिस्टम को चलाते रहे हैं और लोग उसको यूज़ टू हो गए हैं, और जेन्युइन लोगों ने भी अपना पैसा उस तरह से रखा हुआ है और बाइंग की हुई है और पूरी एक मार्केट डेवलप हो गई है, और अब आप जब एक स्ट्रोक ऑफ पेन से कह लें या एक वन स्टेप में आप इसको स्विच कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 100, तो एक क्योस तो नहीं कहना चाहिए मगर एक स्टैंड स्टिल पोजीशन आ गई है। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो जब से जुलाई 1 से लेकर आज तक रजिस्ट्रियाँ तकरीबन रुकी हुई हैं और ट्रांजेक्शन रुकी हुई हैं, ये वायबल ऑप्शन नहीं है। तो इसको भी हमें एक ट्रांजिशन देनी पड़ेगी। ट्रांजिशन के बारे में मेरा हमेशा से व्यू ये है कि देखें, प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी जो है वो कभी भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स इनकम टैक्स हो और सेल टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स चाहे फेडरल गवर्नमेंट ले या सूबाई गवर्नमेंट ले, मगर वो कभी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक सर्टेन मिनिमम लेवल पर टैक्स ले लें। तो गवर्नमेंट को इस सारे मेजर को टैक्स रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको देखना चाहिए एज अ डॉक्यूमेंटेशन मेजर एंड अ बूस्ट ऑफ अर्निंग द इकोनॉमी एंड एंड पुटिंग द मनी अवे इन अदर सेक्टर्स रादर देन प्रॉपर्टीज। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ट्रांजिशन दे फ्रॉम द सिस्टम विच वॉज देयर इन द पास्ट टू द सिस्टम दे वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर। और वो ट्रांजिशन इस तरह मेरे समझता हूँ इस तरह होनी चाहिए कि आज अगर मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी 10 लाख रुपए थी और मैंने उसको लाख पर रजिस्टर कराया था, अब मैं उसको 11 लाख पे बेच रहा हूँ,
तो मेरे रिकॉर्ड में तो वो 1 लाख रुपए है और मैं 11 लाख बेचूंगा तो मेरा गेन जो है वो 10 लाख हो जाएगा, जबकि मेरा एक्चुअल गेन 1 लाख रुपए है, क्योंकि मैंने तो वो जो 30 जून 2016 को वैल्यू है उस वैल्यू को वो डीम कर लिया जाए जो उसकी फेयर वैल्यू थी और उस डिफरेंशियल अमाउंट को टैक्स नहीं किया जाए, तो आगे से वो बेइज्जती हो जाएगी। आपने आप ये कह दें कि जो 30 जून की वैल्यू थी वो फेयर वैल्यू चाहे आपके रिकॉर्ड में कुछ भी हो, टैक्सेबिलिटी के लिए या अनडिस्क्लोज इनकम के लिए वैल्यू वो होगी जो कि 30 जून 2016 की वैल्यू थी, तो आपको बेस भी मिल जाएगी और आपको फ्यूचर का सिस्टम भी सही हो जाएगा। तीसरी बात जो हम इसमें समझने से कासिर हैं, जो हम लोग आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, वो इशू है सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो आज तमाम बंदे एक्सपोज हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं। ये टैक्सेबिलिटी गेन तो टैक्सेबल होगा उनके हाथ में जो सेलर है, वो एक अलग इशू है, असली मसला है उसके हाथ में जो बायर है, बायर ने एक्चुअली ख़रीदा है 20 लाख रुपए का, दिखाया है 2 लाख रुपए का, तो अगर ये साबित हो जाता है जो कि साबित हो जाए, एक्चुअली आपने ख़रीदा तो है 20 लाख का और दिखाया है 2 लाख, तो 18 लाख जो डिफरेंशियल है वो आपका एक सेक्शन 111 के अंदर अनडिस्क्लोज इनकम बन जाता है और उस अनडिस्क्लोज इनकम का कोई बचत नहीं है इस सेंस में, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव के सेलर के हाथ में कौन टैक्स करेगा, फेडरल गवर्नमेंट करेगा या सूबाई गवर्नमेंट करेगी। वो जो 18 लाख है वो बिल्कुल क्लियर लॉ में टैक्सेबल है इन दी हैंड ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 32%। तो जो लोग परेशान हैं वो कैपिटल गेन से परेशान नहीं है, वो परेशान है कि उनके खिलाफ 111 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। तो हमें मैं जो बात कह रहा हूँ कि हमें 111 लगाते हुए भी वो डीम वैल्यू जो मैंने पहले कहा था ना उसको 20 लाख की डीम वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लें और आगे से इसको सही कर दें। तो जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजिशन भी मिल जाए और आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब भी नहीं करें। मगर मैं इस बात को रिट्रेट करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में डीसी वैल्यू है उसको बढ़ाना जो है वो यस एक वन ऑफ द मेजर हो सकता है, मगर वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको एक बात या बिल्कुल क्लियर ध्यान रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में टैक्सेशन होनी है ऑन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन। ये नहीं हो सकता कि ट्रांजेक्शन आप करें एक्स अमाउंट की और रिकॉर्ड करें वाई अमाउंट पे, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ट्रांजिशन जो मैंने आपको सजेस्ट की है तो ट्रांजिशन को लेते हुए आप इसको एक्चुअल ट्रांजेक्शन पर लेके जाएं, रेट को कैपिटल गेन के रेट को भी लोएस्ट रखें। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है ना कि पहले हम इस वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझ लें, कहीं ये नहीं लिखा कि हर केस में वैल्यूएशन होगी। मैं क्लियर कर दूँ एक बार, कहीं ये किसी कानून में लिखा कि हर केस में वैल्यूएशन स्टेट बैंक वाली ही होगी। जब डिसएग्रीमेंट होगी बिटवीन द टैक्सेशन ऑफिसर एंड द सेलर एंड बायर देन अ वैल्यूएशन विल बी अंडरटेकन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी वैल्यूएशन इन एवरी केस। अगर सपोज करें असिस्टेंट ऑफिसर कहता है 20 लाख है और मैं कहता हूँ कि 20 लाख है, दोनों कहते हैं 20 लाख है, तो वैल्यूएशन की ज़रूरत ही नहीं है। मगर यस आप ये कहते हैं कि इसमें झगड़ा पड़ेगा हर केस में, तो अगर एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द टैक्सेशन ऑफिसर एंड द एसएससी तो फिर वैल्यूएशन नहीं होगी। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि फेयर वैल्यू होगी और अगर फेयर वैल्यू में असेसिंग जो टैक्स पेयर है वो डिसएग्री करता है विद द वैल्यू ऑफ द टैक्सेशन ऑफिसर देन द वैल्यूअर इज द ऑप्शन ऑफ द एसएससी टैक्स पेयर। तो टेक्निकली उसकी कॉस्ट फिर देनी है उस बंदे को जो देखिए वो जो करप्शन ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट की बेस पर होगा तो करप्शन शुरू होगी, यस मैं इससे प्रिंसिपली एग्री करता हूँ। मगर प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत अरसे तक डिफरेंस नहीं रह सकता क्योंकि एक केस दूसरे केस से रेफर होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम। मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि ये वैल्यू यस शुरू में 1, 2, 3, 4 महीने गड़बड़ होगी, चीज़ें केस उल्टे पुल्टे चलेंगे, मगर ओवर द टाइम सबको पता है कि 1000 गज का प्लॉट डिफेंस में कितने का है,
कोई वैल्यूअर उसको ना 50,000 कर सकता है ना उसको 50 करोड़ कर सकता है, एक मार्केट की रेंज अगर एक वैल्यूअर ने आप एक कलूजन करने के बाद एक अंडर वैल्यू कर लिया, आप यही कर रहे हैं ना, यही करेगा ना पैसे लेके, एक जो ख़राब केस होगा उसमें ये होगा ना कि मैंने मैंने डील की बजाय 50 करोड़ रुपए की, आप मेरे जानने वाले ऑफिसर हैं, मैंने पैसे दे के आपसे 50 करोड़ वाला 25 में रजिस्टर करा लिया, यही होगा ना जी, यही यही केस होगा ना। तो हम मैंने जिस तरह पहले पार्ट में कहा था कि इसका सिस्टम FBR को लगाना पड़ेगा, और जो FBR का जो असिस्टिंग ऑफिसर है उसके ऊपर एक FBR के अंदर भी सिस्टम है इंटरनल ऑडिट का, इंटेलिजेंस का, कि जो लोग प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर रहे हैं उनको चेक करेंगे, क्योंकि एक देखिए एक मार्केट तो हर एक को पता है ना, तो जब 10 फाइलें चेक होंगी ना तो 2 महीने में सारे अफसर एक्सपोज हो जाएंगे, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कौन अफसर है, किसने असेसमेंट की है, अगर FBR के कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता है कि यार ये वाला बंदा है जो ऐसा कुछ करता है, तो ये दुनिया में आखिर हो रहा है ना हर जगह पर, तो ये हम ये अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, तो ओवर द टाइम मेरा व्यू है ओवर द टाइम वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी, ये हमने हवा बनाया कि नहीं होंगी, ये हम सिर्फ एक मिसनोमर में रह रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ मिलके आप कहें कि डिफेंस में 2 अगस्त का प्लॉट मैंने 2 लाख में रजिस्टर करा लिया और असेसिंग ऑफिसर ने मिलकर मेरे रजिस्टर कर दिया और वो असेसिंग ऑफिसर आराम से घर बैठ कर पैसे लेके घर बैठ जाए, ये हो सकता है 2-4-5 महीने चल जाए, मगर 8-10 महीने 10 साल के बाद वो इंटरनल ऑडिट में और इंटेलिजेंस में खुलेगा और उसको ही पता है खुलेगा। तो ये मैं पर्सनली मेरी ज़िंदगी गुजर गई टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए, ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है, हमें अपने सिस्टम पे कुछ तो फेथ रखना। तो अल्टीमेट जो अल्टीमेट इलाज है वो तो ट्रांसपेरेंसी है, अल्टीमेट इलाज प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी है। इंग्लैंड में आज तमाम रजिस्ट्रियाँ ट्रांसपेरेंट हैं, लैंड रजिस्ट्री इंग्लैंड में ट्रांसपेरेंट है, आप जाएँ वेबसाइट पे जाएं आप खोलें कि इस घर की वैल्यू क्या है वो आपको बता देगा, इसकी वैल्यू ये है, इसने खरीदा था, इतने में खरीदा था, कब खरीदा था। अब किसी अफसर की जरूरत नहीं है कि वो करे, जिस दिन वो करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा। तो हमारा भी अल्टीमेट इलाज कमिंग बैक टू माई मेन इशू कि अब इस ट्रांजिशन को आप कैसे देंगे, सवाल ये ना कि जो लोग हैं वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लोग इससे नहीं घबरा रहे हैं, लोग दो घबरा किस रहे हैं, दो चीज़ों से घबरा रहे हैं, एक घबरा लोगों को इस वक्त ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ पे, और इस पर मेरा एक बड़ा सीरियस व्यू है कि बैंकों ने इसको सही तरह हैंडल नहीं किया, बैंकों ने कोलेट्रल लिए हुए हैं रियल इस्टेट के और वो कोलेट्रल उन्होंने लिए हुए हैं एक्चुअल वैल्यू पर, डॉक्यूमेंटेशन किसी और वैल्यू पर है और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के कोलेट्रल की वैल्यू हिल रही है इस सिस्टम की, जो सिस्टम हम चेंज करने लेकर आए उससे वो बैंकर की शेकअप हो गया है, क्योंकि बैंकिंग में जो वैल्यू ली गई है वो ली गई है जो एक्चुअल वैल्यू है, कागज़ में वैल्यू कुछ और है। तो मेरा तो बैंक पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन को ये पूरी सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि वो इसमें आगे बढ़ें और वो गवर्नमेंट को कहें कि साहब आप इसको सीधा सही करें, क्योंकि उनका प्रॉब्लम आज आ गया है कोलेट्रल का, क्योंकि अल्टीमेटली आज बिजनेसमैन वन ऑफ द एक तो प्रॉपर्टी डीलर है वो परेशान है, बट जो एक और कम्युनिटी परेशान है वो बैंकर है, उनका ख्याल है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आती है तो उनके लोन अनकोलेट्रलाइज हो जाएंगे, उनके लोन इनसिक्योर हो जाएंगे, और वो इसको अपोज कर रहे हैं बिकॉज उनकी सिक्योरिटीज़ हिल जाएंगी। एग्रीड, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हायर वैल्यू पर आज सिक्योरिटी ली हुई है तो, मगर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन या एनी वन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बाय कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो अब इस गवर्नमेंट को और इस सिस्टम को सपोर्ट करें डॉक्यूमेंटेशन में लाने के लिए, ना कि उस सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश करें जो करंट डॉक्यूमेंटेड है। तो अपोजिशन कहाँ से आ रही है, 2 लोगों की अपोजिशन आ रही है ना, एक उन लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो समझते हैं कि हम एक्सपोज हो गए एक बड़े अमाउंट के लिए 111 के लिए, या बैंकर जो अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों को आपको एक वे आउट ट्रांजिशन देना पड़ेगा, जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताया है, और ये दिस इज़ द राइट ट्रांजिशन फॉर देम। लास्टली जो है, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है कि अनऑक्यूपाइड प्लॉट हैं उनको हैंडल करें और आप बहुत सीरियस रेगुलेशन बनाएं कि जो प्लॉट खाली पड़े हैं उनकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। आखिरी बात जो है वो ये है कि रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी और प्लॉट, ओपन प्लॉट, ये 2 अलग अलग एनिमल्स हैं। आपको नंबर ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ प्लॉट्स को बढ़ाना पड़ेगा,
और हाउसिंग को एक इनडायरेक्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी कि एक जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो हाउसिंग को अफोर्ड कर सके। मेरा पर्सनल व्यू है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी इशू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इशूज ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द ब्रेन ड्रेन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल इन पाकिस्तान इज हाउसिंग। जो लोग पाकिस्तान से बाहर छोड़ के जाते हैं, यंगस्टर जाता है, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, जब वो क्वालिफाई करता है, जब पाकिस्तान मार्केट में आता है, तो उसका पहला रीज़न पाकिस्तान छोड़ने का ये होता है, उसे पता है कि मैं अपना घर नहीं बना सकता और वो उस वजह से पाकिस्तान छोड़ देता है। तो अगर आपने हाउसिंग को अनअफोर्डेबल कर दिया, जो आपने आज कर दिया है ये $300 बिलियन इस प्रॉपर्टी में डाल के, तो फिर आप पाकिस्तान में रियल ब्रेन ड्रेन को कभी नहीं रोक सकेंगे। ये बात पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर को समझनी चाहिए। ये इशू सिर्फ टैक्सेशन का नहीं है। आज कोई आदमी जो मिडिल क्लास से है वो रेस्पेक्टेबल हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और हाउसिंग दुनिया में कभी भी डेवलपिंग कंट्री में 100% मार्केट बेस पे नहीं चल सकती। अगर आप ये समझते हैं कि कमर्शियल बैंक्स पे 14% लोन लेकर और 5 साल की रिपेमेंट शेड्यूल के साथ आप घर बना लेंगे, तो फिर आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया के तमाम माशरों में इंक्लूडिंग अमेरिका हाउसिंग सब्सिडाइज होती है। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, इनको आपस में लिंक नहीं करें। और ये जो चीज़ आज गवर्नमेंट ने की गई है, इस चीज़ ने ये सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया। देखिए, मेरा हमेशा से व्यू ये है कि ये जो इशू आया है और गवर्नमेंट ने ये चीज़ टेकअप की है, इसके पीछे गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट रेवेन्यू मेजर नहीं है, कॉन्सेप्चुअली मैं समझता हूँ। और कुछ लोग ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू मेजर के तौर पर ले रही है। मेरा गवर्नमेंट को आज भी ये एडवाइस है और सजेशन है कि ये रेवेन्यू मेजर नहीं होना चाहिए, ना ये रेवेन्यू मेजर है। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इसमें रेवेन्यू आ जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है, इसमें रेवेन्यू नहीं आएगा। और अगर रेवेन्यू आया भी तो स्टैंप ड्यूटी बढ़कर आएगा, और स्टैंप ड्यूटी का रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। 111 में रेवेन्यू वो कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको आप एमनेस्टी किसी किस्म की दे के इसको कवर अप नहीं करें, बल्कि इसका एक ट्रांजिशन मैकेनिज़्म दें, ऐसा मैकेनिज़्म दें कि जो आपको 10 12 15 साल आगे लेके चले। कि ये नहीं हो कि आप आज एक कवर अप दे दें, फिर अगले साल फिर वही शुरू हो जाए जो पहले होता था। तो इसलिए जो ट्रांजिशन, मैंने कहा ना, ट्रांजिशन मैकेनिज़्म जो है, इसीलिए जो मंडे को मीटिंग डार साहब ने बुलाई है, आई थिंक वो कोई जज्बाती फैसला करने के बजाय इसको मज़ीद डिबेट में डालेंगे। और क्योंकि अब तो ये कानून बन चुका है, तो अब जो अमेंडमेंट आएगी वो अमेंडमेंट आएगी बाय वे ऑफ चेंज इन द लॉ, और आपको एक अमेंडमेंट, फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, और वो अमेंडमेंट एक्ट नेशनल असेंबली में भी जाएगा और सेनेट में भी जाएगा। और 10-15 दिन में कोई तूफान नहीं आ जाएगा, इसको पब्लिक डिबेट में लेके जाएं, ये इशू बिल्कुल रेलेवेंट है। और जो इसके प्रॉज एंड कॉन्स कौन से हैं वो लोगों को सामने डिस्कस करें, और जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द ओल्ड रिजीम टू द न्यू रिजीम वो लॉजिकल और इन द नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल लॉबी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, मुझे शायद मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी के लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने रिप्रेजेंट की, ये प्रेजेंटेशन की जा रही है कि ये आप के लोगों ने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लान के ख़िलाफ़ है, और इसको एक हवा बना के प्रेजेंट किया गया है कि जी कोई तूफान आने वाला है और कोई इसमें कोई अजाब आ जाएगा और कोई बहुत बड़ा डिबेकल हो जाएगा और रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे, और ये मतलब एवरी काइंड ऑफ फियर इज़ बीइंग लेड टू बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नो उनको कितनी ऑडियंस मिली है प्राइम मिनिस्टर की, मगर मेरा सजेशन ये है कि जो एक्शन है वो इन प्रिंसिपल करेक्ट है, और कोई तूफान नहीं आएगा और कोई आउटफ्लो कैपिटल नहीं होगा। यस, एक एडजस्टमेंट ज़रूर होगी, और वो एडजस्टमेंट इन द लॉन्गर टर्म
कन्वर्ट कर देगी रियल इस्टेट ओपन प्लॉट की इकोनॉमी को रियल इस्टेट की economy. तो वो फियर है. तो इसलिए मेरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कोई भी फैसला करेंगे या जो भी वो बात वो करेंगे उसमें ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी जब करेक्शन होती है रिफॉर्म होती है तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट क्लैश होता है. और मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आती उस वक्त है जब आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड कर देते हैं. अदरवाइज फिर आप माफिया के साथ खेल रहे होते हैं. और ये हमारी ट्रेजेडी रही है पास्ट में. तो अब हमें हम में इतनी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हम उस एम्बिट से बाहर निकलकर एक ब्रॉडर पिक्चर में बात कर सकें.